हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वार में। आज हम भिन्नों का घटाना देखेंगे, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला प्रश्न है 4/5 माइनस 3/5, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, भिन्नों के हरों को समान करेंगे। यहाँ तो पहले से समान है तो कुछ करना ही नहीं है। देखें, जब पहले से समान है तो ऊपर अंशों को घटा दीजिए, आ जाएगा कितना, हो जाएगा 1/5 आ गया। इसमें भी, इसमें देखिए, इसमें हर समान तो है नहीं, अब क्या करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम हरों को समान करना सीखेंगे। तो हर को समान करने के लिए हम दो तरीका सीखेंगे। पहला क्या है, पहला कि इसके, मैंने कहा पहली भिन्न जो है उसके अंश में दूसरे वाले भिन्न के हर से गुणा करेंगे, और फिर उसके बाद चिन्ह लगाएंगे, फिर दो पहले वाले भिन्न के हर से दूसरे वाले भिन्न के अंश में गुणा करेंगे। दोनों को गुणा करने के बाद फिर हरों का आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए करते हैं क्या, पहले पहले वाले भिन्न के अंश में दूसरे वाले भिन्न के हर से गुणा करेंगे। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36। फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे, फिर 7 का गुणा करेंगे 5 में कितना हो जाएगा, 35। फिर हरों का गुणा कर देंगे 7 का 6 में, हो जाएगा 42। घटा दीजिए 36 से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा, फिर नीचे 42 आ गया, हो गया। अब क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा, 2 में से हमें घटाना है 2/3। अब क्या करेंगे इसमें, तो देखिए, तो 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इस रूप में लिखें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं भिन्न के ऊपर, क्योंकि 1 से अगर 2 में भाग देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो देखिए, इसको इस पर रूप में लिख देंगे, फिर क्या ऋण लिख के 2/3 हो गया। अब क्या देखिए, अब फिर वही प्रक्रिया जो इसमें किए वही इसमें करना है, इसके हर को इसके अंश में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर चिन्ह लगाएंगे 2 का 1 में 2, फिर हरों का गुणा 2 का 1 में कितना हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3। अब घटा दीजिए 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4/3। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए हम दूसरा तरीका, यानी कि हरों को, इनके हरों को समान करेंगे। सबसे हर को समान करने के लिए क्या करेंगे, लासा यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम, पहले इनको एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हम निकालेंगे तो आएगा इसका एलसीएम 30 आएगा। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 30, हरों का एलसीएम, ध्यान दीजिए हरों का एलसीएम, तो हरों का एलसीएम यानी कि 30। 30 वह संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी। अब देखिए, अब पहले क्या भिन्न 5/3, इसके हर को 30 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करेंगे बताइए। तो इसके हर में हम 10 से गुणा करेंगे तभी तो 30 आएगा। तो देखिए, हर को 30 बनाने के लिए यानी कि 3 को 30 करने के लिए हमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए, भिन्न का एक प्रगुण है कि अगर हर में गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी गुणा करना होगा, यानी कि 10 से अगर 3 में करें तो 5 में करेंगे। तो 5 का 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 50। फिर यही वाला चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, अब क्या 5 है, 5 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 6 से, यानी कि 5 को हर जो है 30 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 6 से। जब नीचे करें तो ऊपर भी गुणा करेंगे, 6 का 7 में गुणा कितना हो जाएगा, 42। 42 हो गया। फिर वही ऋण वाला चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगा है। अब देखिए 6 है, 6 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से। 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30। फिर ऊपर, ऊपर भी 5 से, 20 हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब सबका हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर है तो अंशों को घटा लीजिए। देखिए, तो देखिए कितना है, 50
50 में से जब 42 जो घटाएंगे, पहले देखे ये ऋण है ये ऋण है, दोनों ऋण ऋण मिलके कितना हो जाएगा, दोनों अगर ऋण मिलके ना आएगा 62, 62/30। ये कैसे हमने किया देखे, अगर आपका किसी दुकान पर 42 रुपये उधार है, फिर आपने 20 रुपये उधार कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ऋण यानी कि जो कर्जा आपका बढ़ जाएगा, बढ़ के 62 रुपये हो जाएगा। तो घटा दीजिए, देखा ये 50 में तो 62 घटेगा नहीं, अब क्या करेंगे, मान लीजिए 62 रुपये उधार है आपके पास, 50 रुपये आपने दिया, तो आपको तभी आपका जो उधार है वो कितना रहेगा, जब 12 रुपये आपका उधार रह जाएगा, यानी कि जो ऋण है आपका, ऋण 12/30 में आएगा आंसर। तो समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या अगला क्या है, 4 सही 1/5 ऋण, 2 सही 2/3। इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसके जो भिन्न है इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। इसको बना विषम भिन्न में बदलने के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न है, देखिए 5 से जब 4 में इसको क्या विषम भिन्न में बदलेंगे, सबसे पहले 5 का गुणा 4 में करेंगे, देखिए कैसे बदलते हैं। इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए इसके हर से जो आगे दिया गया है पूर्णांक, 5 से 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 20। अब 20 में फिर यही 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 21, 21/ फिर यही 5 लिख देंगे नीचे, हो गया। फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह लगा दिया, फिर 2 3 का गुणा 2 में बदलेंगे, 2 का 3 का गुणा 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 6, 6 में फिर वही 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8/3। इस रूप में देखिए अब ये विषम भिन्न के रूप में हो गया। अब इसको हर समान करेंगे, हर समान करने के लिए आपने दो तरीका सीखा, क्या पहले तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा, और फिर क्या करेंगे इसमें हर सब का समान लासा से लेंगे। आपको क्या है देखें, अब क्या इसका गुणा इसमें करेंगे, आपको चिन्ह द्वारा समझा देता हूँ, 21/5 है और इधर क्या 8/3। इसको देखिए इसमें गुणा फिर इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। तो देखिए 3 से जब 21 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 21 में, तो 3 यहाँ पे 6 हो गया। फिर ये जो चिन्ह है ये लगाएंगे, माने अगर ये धन है तो धन वाला चिन्ह लगाएंगे, ऋण है तो ऋण वाला चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए फिर 5 से 8 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 40, फिर बटा लगाएंगे, बटा लगाएंगे। अब क्या फिर 5 या 3 में गुणा करें, कितना हो जाएगा 15, इतना हो गया। अब 63 में से 40 घटा देंगे, 63 में से 40 जब घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 3 फिर 2 23, 23/15 इतना आ गया। आप चाहे तो इसको फिर मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, तो चलिए बदल ही देते हैं। तो देखिए 15 से 23 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी बताइए, एक बार जाएगी भाग, एक ही बार जाएगी ना भाग, एक ही बार भाग जाएगी, तो बचेगा कितना 8 बच जाएगा, 8 जो बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जैसे भाग दिए उसको नीचे लिखेंगे, आ गया आंसर। ये भी आंसर सही, ये भी आंसर सही। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपको खुद देना है, तो हमारा क्वेश्चन है 12/5 ऋण 8/7, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसको अच्छे से पढ़ के इन सबको इसका आंसर आप खुद लगाएंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो हमने आपको बताया सब अच्छे से आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।